हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आपको लेके चलेंगे हम झंडे वाले मंदिर, माता रानी के दर्शन कराएंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे, आप भी दर्शन कीजिए, हम भी दर्शन करेंगे। और वहाँ पर पिछले 2 साल से गणपति जी नहीं बैठे हैं, इस साल जाकर देखते हैं अगर गणपति जी बैठे होंगे तो वहाँ पर आपको भी दर्शन कराएंगे गणपति जी के, और हम भी दर्शन करेंगे। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। हम आ गए हैं माता रानी के दरबार में, माता झंडे वाली के दरबार में, और कोविड की वजह से ये गेट सारे बंद पड़े हुए हैं, और आपको नए रास्ते से लेकर चलते हैं माता के दरबार के अंदर। ये नया बना है अभी, जूता घर है, पहले ऐसा नहीं था, ये अभी बनाया है नया। ये लेटेस्ट बना है। मेरे फोन का तो क्यों क्या हो गया। हेलो, अब हम आ चुके हैं माँ झंडे वाली के मंदिर, और यहाँ पर देखो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अब आपको दिखाते हैं, गणपति जी के दर्शन कराते हैं। और कोविड की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी रश नहीं है ना, खाली ना, पड़ा सारा मंदिर। रश नहीं, बंद कर रखा चारों तरफ से, यूज़ की जा रही है, मंदिर बिल्कुल बंद है, कोई प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हम लोग, कोई फूल माला वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, तिलक भी नहीं लगा सकते इस वक्त क्योंकि कोविड की वजह से प्रसाद वगैरह सब कुछ बंद हो गया। ये है गणपति जी के दर्शन करो, गणपति जी महाराज। काजल कैसे हो रहे हैं दर्शन? बहुत सुंदर गणपति जी बैठाए हैं। बहुत सुंदर। ये हैं गणपति जी के दर्शन, और गणपति जी के दर्शन बहुत ही सुंदर दर्शन है। आप देखेंगे कि इतना सुंदर सजा रखा है मंदिर को। अब आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं, गणपति जी के दर्शन कराते हैं थोड़ा जूम करके। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं, ये मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं गणपति जी महाराज जो इस वक्त विराजमान है माँ झंडे वाली मंदिर के अंदर, जो पिछले 2 साल से नहीं बैठे थे, इस साल बैठे हैं ये। हाँ जी, अब आओ माता झंडे वाली माता के दर्शन करा दें इनको। जयकारा झंडे वाली का बोल, सांचे दरबार की जय। माता रानी के बहुत खूबसूरत दर्शन है, और माता रानी बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। देख लो, ये झंडे वाला मंदिर है, और माता के दर्शन करो आप लोग सब, बहुत खुले दर्शन है, बहुत ही सुंदर। जय माता दी। ये हैं राम भक्त हनुमान जी, बहुत सुंदर दर्शन है इनके। ये हैं लक्ष्मी माता जी, ये गणपति जी महाराज। ये सारा मंदिर अभी नया बना है पूरा, ये पूरा पीछे सारा चांदी का काम हुआ है, उसके अंदर सारा चांदी का व्रत लगाया हुआ। ये है माँ संतोषी माता, ये है माँ अन्नपूर्णा, ये है शीतला माता, और ये यहाँ के पंडित जी। जय माता दी पंडित जी। जय माता। गौ माता के लिए अलग से बनाया है ये, पहले नहीं था यहाँ पे, और साथ में लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं। ये है लड्डू गोपाल जी और गौ माता। ये अखंड ज्योत है जो हमेशा मंदिर में जलती रहती है, और ये मंदिर का मंदिर का काम चल रहा है, अभी निर्माण हो रहा है इसका, नया सारा काम चल रहा है, और ये अखंड ज्योत है। भक्तों को सूचित किया जाता है कि अगली सूचना तक गुफा के दर्शन बंद रहेंगे। दर्शन है भगवान भोलेनाथ जी के, और ये झंडे वाले मंदिर के अंदर अब ये नया ही बना है, ऊपर पूरा शिवलिंग, बहुत सुंदर शिवलिंग है। पूरा छत्र है चांदी का, मटका है चांदी का, पूरा सिंहासन है चांदी का, शेषनाग जी
शिवलिंग के ऊपर और बहुत सुंदर दर्शन है। बहुत प्यारा लग रहा है, हाथ हाथ में मिल रहा है। मंदिर में दर्शन तो हमने कर लिए हैं लेकिन मंदिर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मतलब मोस्टली मंदिर बंद ही पड़ा हुआ है। मेन माता रानी की जो मूर्ति जो प्रकट हुई जमीन में से सन 1800 में जब खुदाई चल रही थी मंदिर बनाने के लिए। पक्का नहीं है कोई 1800 हो या कुछ हो, मगर ये है कि 1800 कुछ ईस्वी के अंदर ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है और नीचे खुदाई के वक्त जब ये मंदिर बन गया है, खुदाई हो रही थी तो नीचे से एक मूर्ति निकली थी माता रानी की जो खंडित हो गई थी, तो इसलिए अब ऊपर एक उनके हाथ खंडित हो गए थे मूर्ति के, तो उसकी अब इन्होंने ऊपर निर्माण किया दूसरी मूर्ति का झंडे वाली माता का, और नीचे वो ओरिजिनल मूर्ति आज भी गुफा के अंदर विराजमान है। और अब आपको पूरा मंदिर का दर्शन कराया है, दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर है माता झंडे वाली का मंदिर है, झंडे वलान के अंदर है, करोल बाग के अंदर नीडा का। अगर आप कभी भी आए दिल्ली आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। अभी अभी हमने आपको अभी जो लास्ट में दर्शन कराए हैं बाबा भोलेनाथ जी के कराए हैं, और उनका स्वरूप अभी ये अभी नया बना है, कोविड के बाद बने हैं, और नीचे जो बाबा के दर्शन हैं वो और अलग हैं, वो और सुंदर है। वो जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे कोविड के बाद और अगर ये खुला हो और मिला तो फिर हम आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर किसी अच्छी जगह में, किसी माता के दर्शन कराएंगे, कहीं पे कोई घुमाएंगे, कुछ खिलाएंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए।